नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई आरोपी संजय राय का नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाएगी, इसके लिए जांच एजेंसी ने कोर्ट में आवेदन दिया है। एक आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की पंजाब में मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी करी है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों के मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज करने की कार्यवाही आज होगी। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में बदमाशों ने जमकर फायरिंग की है। फायरिंग में जिन मालिक को गोली लगी है, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में एक केमिकल कंपनी गैस निकाली थी, तभी गैस रिसाव हो गया और गैस पूरे इलाके में फैल गई। लेबनान के दक्षिणी शहर नबातीह के बाहरी इलाके में एक इजरायली ड्रोन हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। शिवसेना एमएलए यामिनी जाधव की ओर से मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटने पर बीजेपी ने कहा कि वह जो चाहे करे, लेकिन पार्टी बुर्का बांटने जैसी तुष्टिकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हम अपमानजनक भाषा का समर्थन नहीं करते हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस तरह की आपत्तिजनक भाषा समाज में दरार पैदा करती है। सीएम शिंदे ने कहा कि बांद्रा से दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव तक 10 मिनट में पहुंच सकेंगे, जिसमें अभी 45 मिनट लगते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि पीएम मोदी गणपति दर्शन के लिए एससी के चीफ जस्टिस के घर चले गए, तो इस पर विपक्ष जिस तरह कोहराम मचा रहे हैं, यह उनकी मूर्खता का सबूत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी MVA में सीटों को लेकर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की डिमांड से कांग्रेस नाराज है। धर्मराव आत्राम की बेटी भाग्यश्री आत्राम शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गई है। अजित पवार ने उन्हें कई बार रोका, लेकिन वह नहीं मानी। अब वह पिता के सामने चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार ने सीताराम येचुरी के निधन पर कहा कि उन्हें वामपंथी दलों के महत्वपूर्ण आवाज के रूप में याद किया जाएगा। शरद पवार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। अजित पवार ने किसान प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सोयाबीन और कपास के लिए MSP बढ़ाने के लिए सकारात्मक है। गन्ने की MSP बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। एक दिन पहले नए ऐतिहासिक उच्च स्तर का रिकॉर्ड बनाने के बाद आज शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार पर मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है। थलपति विजय के लेटेस्ट एक्शन थ्रिलर गोट की कमाई में अब गिरावट देखी जा रही है। हालांकि फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म वीर जरा फिर से रिलीज हो रही है और फिल्म को सिर्फ 250 स्क्रीन पर